क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है, वो है अभी हमारे तो साथ। सडनली मम ने बोला, यार साइकिल की क्या बात कर रहे हो, ये जो जिस कार में आप आए हो वो कार ही हमारी। ये है इंडिया का बिगेस्ट डायमंड बूट। है एवरीवन, तो मैं अभी रेडी हो गया हूँ किसी स्पेशल वजह से, मेरे लिए वो बहुत स्पेशल वजह है, तो मैं अभी उसके लिए जा रहा हूँ कहीं पे, तो देखते रहिएगा। एकदम से मस्त तैयार हो गया हूँ, मतलब जो भी है अच्छा हो गया, देखते रहिए आगे। तो रुद्रा अभी कहाँ जा रही है? अपने घर जा रही है, पूरे बारिश में है ना, तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, देख सकते हैं आप, थोड़ी कम हुई है। एरुडी तो आज करीब में 10 दिन के बाद, 10-15 दिन हो गए मैं जब से
मैंने जब प्री ओन कार खरीदी थी उसके बाद आज ही ये व्लॉग कर रहा हूँ। व्लॉग करने की वजह है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं मैं कहाँ पर हूँ। ये है इंडिया का बिगेस्ट डायमंड बूस, सूरत डायमंड बूस, और ये वर्ल्ड में, वर्ल्ड के जितने भी डायमंड बूस है इसमें फिफ्थ टॉप फाइव में इसका जो नंबर है वो आने वाला है। अभी तो बन रहा है, ये शुरुआत है, फिर भी ये आ गया है। और बस मुझे एक क्लाइंट थे हमारे यहाँ पे, उनसे थोड़ी मीटिंग करनी थी, थोड़ा उनका प्रॉब्लम तो थोड़ा उनका जो प्रॉब्लम्स थे आईटी के रिलेटेड वो सॉल्व करने थे, तो अभी हमने वो सॉल्व कर दिया है और अच्छी खासी बातचीत भी हुई उनसे आईटी के रिलेटेड और ये डायमंड बूस के रिलेटेड। और बस निकलते हैं, अभी हमारा काम जो है वो ख़त्म हो गया, अभी सीधा घर की ओर निकलते हैं। हाँ, और एक बात तो मैं बोलना भूल ही गया, मेरी वाइफ को, मेरी बेटी को, मेरे जब पता चला कि ये हमारी ही गाड़ी है, यार बहुत खुश हो गए वो लोग। उनको जब उनके घर से हम जब हमारे घर तक आए तब तक उनको मालूम नहीं था ये मेरी, जैसे कि कार में से निकले मेरी मॉम ने उनको सरप्राइज कर दिया, बोला कि यार ये बाइक, आप ये जो बाइक आप जो कार से उतरे हो उस पर कुछ तिलक वगैरह कुछ किया कि नहीं, पूजा वगैरह। तो अंदर नई साइकिल भी थी मेरी बेटी के लिए, तो वो पूछने लगी यार मम्मी ये साइकिल के लिए क्या पूजा करना। तो सडनली मम्मी ने बोला यार साइकिल की क्या बात कर रहे हो, ये जो जिस कार में आप आए हो वो कार ही हमारी है। तो वो चौंक गई, नीरव ने तो बताया ही नहीं मुझे, इन्होंने तो बताया ही नहीं मुझे, एकदम चौंक गई। और बस बहुत अच्छा लगा सरप्राइज उनको, सबको भी अच्छा लगा और मेरी भी एक ख्वाहिश थी। हालांकि मेरे लिए ये नई गाड़ी है, आपके लिए ये प्री ओन गाड़ी है, तो मुझे इतनी मुझे कार ही आती थी चलाना, मगर इतनी ज़्यादा नहीं आती थी। तो मैंने पहले सोचा यार पहले प्री ओन जो कार से वो उस पर ट्राई करते हैं, बाद में कुछ आगे चल करके नई जो कार है वो लेने की सोचेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं घर की ओर निकलता हूँ, बहुत देर हो गई है यहाँ पे क्योंकि घर जल्दी थोड़ा पहुँचना है और सैटरडे भी है, तो फटाफट से घर की ओर निकलते हैं, घर जाके मिलते हैं। मालूम नहीं ये व्लॉग कब आएगा, घर तो रहा हूँ पर मालूम नहीं कब आएगा। तो हमने हमारी कार के लिए ये MI का बेसिक कार चार्जर और ये प्रोटोनिक्स का ऑटो 11 ब्लूटूथ डिवाइस मंगवाया था जो कि यहाँ पे लगेगा, तो बस ये आ गया है, अभी इसको सेटअप करके मैं आपको उसका रिव्यू देता हूँ। तो फिलहाल ये जो आप देख रहे हैं ये ब्लूटूथ मैंने अपनी कार में लगा लिया है और यूज़ करना भी स्टार्ट कर दिया है। ये ब्लूटूथ है जो मैंने कार में लगा लिया है और ये अपना कार चार्जर है, सिगरेट चार्जर, तो वो मैंने लगा दिया है और मैं यूज़ करना भी स्टार्ट कर दिया हूँ। और साउंड क्वालिटी जो है वो बेहद अच्छी है, मतलब एकदम अच्छा सुनाई देता है और स्पीकर गाड़ी में ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो सिर्फ ब्लूटूथ की एक कमी थी क्योंकि ये वाली जो पायनियर की लगी हुई है उसमें USB सपोर्ट और ब्लूटूथ वगैरह नहीं था, तो ये एक्स्ट्रा लगा दिया और अच्छी तरह से ये काम कर रहा है। तो मुझे ये Amazon से पड़ा था कुछ ब्लूटूथ जो था वो कुछ करीब 500-550 के बीच में पड़ा था, मैं प्राइस जो हूँ वो भूल गया हूँ क्योंकि बहुत दिन हो गए। तो और ये जो बेसिक MI का जो कार चार्जर है, मतलब सिगरेट चार्जर, वो करीब 300 के या फिर 250 के आसपास का बड़ा था और इसमें मुझे ये अवेलेबिलिटी अच्छी लगी कि इसमें फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है ये जो सिगरेट चार्जर है वो, तो अच्छा है, प्राइस में भी अच्छा लगा है। और फिलहाल मैं सोच रहा था कब से रिव्यू करूं पर टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, तो आज अच्छा खासा टाइम मिल गया है और खैर गाड़ी का कार में ही बैठा हूं तो अच्छा खासा एक टाइम मिल गया है। और देख सकते हैं आप मैं यूज़ कर रहा हूं इसको और साउंड क्वालिटी भी अच्छी है।
और ये जो व्लॉग है वो मैं बहुत दिनों के बाद शूट कर रहा हूँ, तो ये सरप्राइज वगैरह सब हो गया है ख़त्म। मतलब जिसको सरप्राइज देना था वो दे दिया। घर वाले भी अच्छे से अभी कार का यूज़ करने लगे हैं, मैं भी खुद यूज़ कर रहा हूँ, तो अभी यूज़ एंड थ्रो हो रहे हैं हम धीरे धीरे कार का। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, और तब तक के लिए आप इस कोरोना महामारी में अच्छे से आपकी फैमिली का ख्याल रखें। और कोविड में ज़्यादातर अभी जो सरकार ने थोड़ी थोड़ी सी छूट दी हुई है घूमने की बाहर वगैरह, तो कम ही जाए क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है, वो है अभी हमारे साथ। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड ऑलवेज डू गुड थिंग। याद रहे, ऑलवेज डू गुड थिंग।